नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट, आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी का दिन कल है, छुट्टी भारतीय बाजार में, उससे ठीक एक दिन पहले आज आप कैसे ट्रेड लेंगे, क्या स्ट्रेटेजी बनानी होगी, आपको सब कुछ विस्तार से बस चंद मिनटों में आपको बताएंगे। चलिए शुरुआत विदेशी बाजार के संकेत से कर लेते हैं। एसजेक्स निफ्टी हल्की हल्की बढ़त के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए 16,630 के आसपास, तो डाउ फ्यूचर्स में फिलहाल हल्की सी गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। नरमी का माहौल यहां पर, निकाई में 100 अंकों की बढ़त जरूर देखने को मिल रही है। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, जो 5 दिनों की तेजी डाउ और S&P में हम देख रहे थे नए रिकॉर्ड्स, वहां पर ब्रेक लगता हुआ दिखा है, क्योंकि डाउ में 280 अंकों की गिरावट और नैसडैक में 140 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग हम देख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत आपको बताते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज क्या कुछ अहम है। गुड मॉर्निंग मानसी, और थोड़ी सुस्ती के आप संकेत आते हुए देख रहे हैं जहां तक विदेशी बाजारों का सवाल है। अगर आप देखेंगे एसजेक्स निफ्टी हालांकि अपनी गेंस होल्ड करते हुए दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स में मामूली गिरावट है, थोड़ा मिला जुला कारोबार आपको एशिया में भी दिख रहा है, पर कल की गिरावट के बाद अच्छी बात यह है कि और गिरावट नहीं आ रही है, बल्कि एशिया के बाजार संभलते हुए दिख रहे हैं। जहां तक कल शाम के अमेरिकी बाजारों के एक्शन के सवाल है, हमने देखा कि थोड़ी अनुमान से ज्यादा गिरावट होती हुई दिखी है जहां तक डाउ की बात करें, क्योंकि जब भारतीय बाजार बंद हुए थे तो करीब 150 पॉइंट्स नीचे था डाउ, उसके सामने देखें तो 280 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है। 5 दिनों की जो रिकॉर्ड तेजी बन रही थी डाउ और S&P 500 दोनों पर, उस पर भी ब्रेक लगा। हालांकि निचले स्तरों से फिर अच्छी रिकवरी भी आपने डाउ देखी, दिन के निचले स्तर से करीब 225 अंक संभल कर डाउ बंद हुआ। नैसडैक 1% नीचे था, तो दिग्गज आईटी शेयर्स में थोड़ा आपने दबाव आते हुए देखा है, साथ ही स्मॉल कैप्स में वीकनेस थी। रसल 2000 करीब 1.2% गिरा है और उनकी जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो भी स्टेबल ही रही 1.26% के आसपास। आईटी के अलावा कंज्यूमर शेयर्स और इकोनॉमी से जुड़े शेयर्स पर भी आपने थोड़ा दबाव कल आते हुए देखा है, और वो इसलिए है क्योंकि जो जुलाई रिटेल बिक्री के आंकड़े आए हैं वो अनुमान से कमजोर रहे। बाजार ने अनुमान लगाया था 0.3% की गिरावट का, उसके सामने 1.1% की गिरावट होती हुई दिखी है, तो यहां से थोड़ा आप कह सकते हैं सेंटिमेंट पर असर पड़ा है, क्योंकि US कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है और रिटेल बिक्री का आंकड़ा काफी अहम रहता है ट्रैकिंग के लिए, तो वहां से थोड़ी निराशा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि होम डेपो जो वहां का एक सबसे बड़ा रिटेलर है, उसके भी नतीजे निराशाजनक रहे, जिसकी वजह से वो स्टॉक भी 4% गिरा। हालांकि उसके सामने वॉलमार्ट के नतीजे अच्छे रहे और उन्होंने अपनी गाइडेंस भी बढ़ाई है, तो थोड़ा यहां से भरोसा आपको मिलते हुए दिख रहा है। बट ओवरऑल सुस्ती वाला सेशन रहा अमेरिकी बाजारों में। आज शाम फेड के मिनट्स जारी होंगे तो वहां पर भी सबकी नजर बनी हुई है। इसके अलावा यूरोप में थोड़ा मिला जुला कारोबार दिखा, कच्चे तेल पर फिर से ऊपरी स्तरों पर दबाव दिख रहा है, फिलहाल $69 के करीब ब्रेंट ट्रेड करते हुए दिखेगा आपको। इसके अलावा सोना एक हफ्ते की ऊंचाई से फिसला है और उसके सामने डॉलर में थोड़ी खरीदारी हुई है, तो कोई ऐसी बड़ी मूव्स नहीं आई, पर हाँ कमजोर रिटेल बिक्री आंकड़े से थोड़ा कॉन्फिडेंस US में गिरते हुए दिखा है। बट आज सुबह एशिया के बाजार अच्छे संकेत दे रहे हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम संकेत हमें बताने के लिए। तो क्लियरली एशियाई बाजार शुरुआती संकेत अच्छे दे रहे हैं, लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में हमने कमजोरी जरूर देखी है। आज जो US फेड के मिनट्स आएंगे इस पर अब नजर होगी। फंड एक्शन जान लीजिए, कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है। FIIs ने की है कैश मार्केट में सेलिंग 344 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में FIIs की तरफ से 5668 करोड़ की खरीदारी हुई है, तो कैश मार्केट में DIIs ने 266 करोड़ की खरीदारी की है। तो क्लियरली अगर कैश मार्केट में FIIs की सेलिंग को छोड़ दें तो DIIs ने कैश मार्केट में और वायदा बाजार में FIIs ने खरीदारी के आंकड़े दिखाए हैं। आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि आज के सत्र में पहली स्ट्रेटजी आप क्या बनाकर चलेंगे। रुक करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। एशियाई बाजार की शुरुआत सर अच्छी हो रही है, बीती रात अमेरिकी बाजार में नरमी जरूर दिखी, फंड फ्लो जो दिख रहा है सर उसे कैसे समझे, और क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है और कल छुट्टी है, आज के लिए पहली रणनीति क्या बनाई जाए। गुड मॉर्निंग मानसी, देखिए संकेत मिले जुले हैं। पहली चीज तो है कि अमेरिका में कमजोरी हुई, लेकिन काफी कुछ हमें अंदाजा था जब भारतीय बाजार बंद हुए तो 150-200 पॉइंट तो डाउ फ्यूचर्स नीचे थे, तो उस लिहाज से बहुत ज्यादा कमजोरी हुई नहीं। और दूसरी बात है कि 5 दिनों की तेजी के बाद अमेरिका में एक कमजोर सेशन होना था, ये तो अंदाजा था ही, और वो भी निचले स्तरों से जितने गिरे हैं उतनी रिकवरी के बाद बंद हुए हैं, तो बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं और डे लो पर बंद नहीं है, तो ग्लोबल संकेत ठीक है, मिले जुले हल्के से कमजोरी की तरफ मान ले अमेरिका से, लेकिन एशियाई बाजार उसकी भरपाई करते हुए दिख रहा है, तो ये हो गए न्यूट्रल। अब आइए जो FIIs के डेटा है,
कल फिर से सुधरते हुए दिखे। इंटरेस्टिंग बात ये कि स्टॉक फ्यूचर्स में अच्छी खरीदारी की है फाइज ने, लगभग 1600 करोड़ रुपए के आसपास की, तो ये एक अच्छा संकेत है। तीसरी बात है, आज क्योंकि वायदा कारोबार के हफ्ते की एक्सपायरी है, एक्सपायरी के ठीक पहले कल भारतीय बाजार लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड बनाकर लाइफ हाई पर बंद हुए हैं, 16600 के ऊपर बंद। तो देखिए इंडेक्स में तो कहीं कोई समस्या है नहीं, इंडेक्स मजबूत रहेगा, ऐसे में आपको 16475 16525 इस सपोर्ट रेंज को ध्यान में रखना है। पिछले दो दिनों से लगातार बाजार इसी रेंज में आकर रुक रहा है, तो अगर वैसे तो लगता नहीं कि उस रेंज तक पहुंचेगा मिलेगा, लेकिन अगर वहां पर आए तो खरीदारी का बहुत बेहतरीन मौका होगा। ऊपर की तरफ 16675 16725 ये पहला पड़ाव है जहां तक जाने की कोशिश हो सकती है, और फिर उसके बाद 16800 की तरफ जाने की निफ्टी की टारगेट बन सकती है। तो ये है लेवल जो निफ्टी पर आपको ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, थोड़ा कल कमजोर हुआ था, सपोर्ट लेवल के बेहद करीब है बैंक निफ्टी, एक्चुअली 35500 के आसपास बेहद सपोर्ट। तो आज के लिए जो रेंज हम मानकर चलेंगे, थोड़ा सा 100 पॉइंट और नीचे लेकर 35400 से 35600 दिन के लिए सपोर्ट रेंज है, और ऊपरी स्तर पर 36000 के ऊपर निकलकर दो बार क्लोजिंग भी कल से नीचे आ गए, तो 36025 बैंक निफ्टी की वो रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली दोनों ही करनी चाहिए। तो ओवरऑल कह सकते हैं मानसी की दिग्गजों में कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स में कोई दिक्कत नहीं, ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन और थोड़ी बिकवाली का माहौल ये रह सकता है, इसके लिहाज से आपको स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो हर लिहाज से संख्या हमारे पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन इसको आप बिल्कुल नोट डाउन कीजिए, 16675 से 16700 इसे निफ्टी के लिए मजबूत ऊपरी रेंज के तौर पर आप मानकर चले। 16800 तक जाने की भी यहां पर निफ्टी की कोशिश होती हुई दिख सकती है, 16475 से 16525 ये होगी निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज। 35400 से 35600 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम करेंगे, तो 36035 से लेकर 36225 बैंक निफ्टी के लिए इसे ऊपरी रेंज के तौर पर आपको मानकर चलना है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए ये है आज के लिए स्ट्रैटेजी, हर लिहाज से पॉजिटिव संकेत भारतीय बाजार के लिए जरूर बनते हुए दिख रहे हैं, क्यों लेकिन क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है तो जरूर फोकस कीजिएगा बाजार पर, जिन जिन लेवल्स पर हम आपको ध्यान देने के लिए कह रहे हैं। खबरों वाले शेयर्स लेकर हमारे साथ वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, बताएं खबरों के दम पर और ट्रिगर्स आज कौन से अहम है। डेफिनेटली जो ट्रिगर्स की बात करें तो आज टाटा मोटर्स पर नजर रखेगा, क्योंकि जो टिगोर ईवी है उसको आज कंपनी जो है अनवील करने वाली है, तो यहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। रेडिंगटन 1:1 बोनस की एक्स डेट है आज, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। मेग मनी ऑर्गेनिक्स और मेग मनी फाइनकैम यहाँ पे आज बीएससी और एनएससी पे लिस्टिंग होने वाली है, तो यहाँ नजर रखिएगा। और कैबिनेट और सीसीए की बैठक है 11 बजे के आसपास, तो कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं, तो यहाँ पे नजर रखना है। एक्स डिविडेंट होने वाले काफ़ी सारे शेयर, जिसमें अपोलो हॉस्पिटल लगातार चल रहा था, आज 3 रुपये प्रति शेयर का एक्स डिविडेंट है, देखना होगा किस तरह का एडजस्टमेंट होता है। बर्जर पेंट्स, डॉक्टर लाल और पेज इंडस्ट्रीज में डिविडेंट का एडजस्टमेंट होगा, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। कैनरा बैंक यहाँ पे नजर होनी चाहिए, क्योंकि 2500 करोड़ जुटाने के लिए QIP जो है इस कंपनी ने लॉन्च किया है। फ्लोर प्राइस जो है 155.58 रुपीज़ प्रति शेयर का रखा गया है, 2% प्रीमियम पे है ये कल की क्लोजिंग से, और फ्लोर प्राइस पे 5% के आसपास का डिस्काउंट मिल सकता है। 23 अगस्त को कंपनी की बैठक है, जहां पे QIP का जो इशू प्राइस है उसके ऊपर फैसला लिया जाएगा। HDFC बैंक, इस बैंक के लिए एक बड़ी खबर आ रही है, RBI ने जो नए क्रेडिट कार्ड से उनको जारी लगाने पे जो रोक लगाई थी वो अब हटा दी है। 3 दिसंबर 2020 को बैंक के ऊपर नए कार्ड्स जारी करने पर रोक लगाई गई थी, उसको हटाया है। बैंक के डिजिटल सिस्टम में लगातार परेशानी की वजह से रोक लगाई गई थी, और बैंक भारत में क्रेडिट कार्ड्स का सबसे बड़ा जारी करने वाली कंपनी है, तो देखना होगा इसका इम्पैक्ट HDFC बैंक और बाकी कंपनीज यानी कि ICICI बैंक और SBI कार्ड्स उन पर कितना होता है। शुगर कंपनीज पे नजर रखेगा, क्योंकि रॉयटर्स के हवाले से एक खबर आई है कि सरकार शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडरी खत्म कर सकती है, नए सीजन से शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडरी जो है उसको खत्म किया जा सकता है, तो इसके चलते देखना होगा शुगर स्टॉक्स पे क्या इंपैक्ट होता है। स्पाइस जेट, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पाइस जेट को टैक्स के मैटर में कोई राहत नहीं दी है। गुरुग्राम के एक्साइज और टैक्सेशन ऑफिसर्स ने लगभग 80 करोड़ की डिमांड रेज की थी, तो इसका इम्पैक्ट आज आपको स्पाइस जेट पे देखने मिलेगा। एक झटका है इस कंपनी के लिए बेसिकली। और कावेरी सीड्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि 25 अगस्त को इस कंपनी की बोर्ड की बैठक है, जहाँ पे ये कंपनी बायबैक पे विचार करने वाली है, तो इसका इम्पैक्ट भी आज इस काउंटर पे होगा। बिल्कुल वरुण शुक्रिया खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ट्रिगर्स हमें बताने के लिए। जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शन की दमदार रणनीति जो सुझाई है, चलिए अब वो देख लेते हैं।
हम दो ऑप्शन में दे रहा हूँ, एशियन पेंट्स और विप्रो। एशियन पेंट्स काफी दिनों के बाद, अभी करेक्शन के बाद अभी चलने लगा है और स्टॉक प्राइस टेक्निकली भी अच्छा है और इसके ऑसिलेटर भी पॉजिटिव टर्न दे रहे हैं। यहाँ पे 3100 की कॉल इस वक्त ली जा सकती है। स्टॉप लॉस अब रखे हैं 13 रुपए, टारगेट आपका रहेगा 35 रुपए। दूसरा है विप्रो, ये अभी लगता है कि थोड़ा सा और छलांग मार सकता है, तो यहाँ पे मेरी सलाह ये रहेगी कि आपको 10 रुपए भी मिले 630 का तभी लेना चाहिए। स्टॉप लॉस रखें उसमें 6 रुपए का और टारगेट आप रखिए 17 रुपए। दो कॉल्स आपके लिए, एशियन पेंट्स अगस्त कॉन्ट्रैक्ट 3100 की कॉल खरीदने की राय, 35 के टारगेट्स को ध्यान में रखें 13 का स्टॉप लॉस, और विप्रो अगस्त की कॉल 630 के खरीदने की राय, 17 के टारगेट 6 का स्टॉप लॉस। आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स अब आपको बता देते हैं। चॉइस ब्रोकिंग की राय ब्रिटानिया पर है खरीदारी की, 3790 के टारगेट्स को मानकर चले, 3640 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग आरती इंडस्ट्रीज पर खरीदारी की राय दे रहे हैं, 990 के टारगेट्स को मानकर चले, 935 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो वहीं निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट में भी खरीदारी की ही राय है, 406 के टारगेट्स को मानकर चले, 391 का एक स्टॉप लॉस आपको यहां पर लगाना होगा। और हमारे साथ हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं। सिमी, इंडेक्स पर आज के लिए आपका नजरिया और साथ ही आज के लिए आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हम जानना चाहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग मानसी, मुझे लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही आज मोमेंटम मेंटेन्ड हो सकता है, पर ओवरऑल निफ्टी के लिए अगर बताएंगे तो मुझे लगता है कि 16650 16680 एक रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा। कल एकदम फैग एंड में निफ्टी बहुत अच्छा रिकवरी शो किया था और रेंज के रेजिस्टेंस रेंज के आसपास ही बंद किया था, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने प्रीवियस पोजीशंस लिए हैं उन लोगों को तो मैं होल्ड करने के लिए कहूंगी। 16000 के ऊपर निफ्टी बंद किया है, 16650 16600 के ऊपर आके बंद किया था, 650 से 80 का ही रेजिस्टेंस है, तो करंट लेवल पर फ्रेश बाइंग सजेशन नहीं करूंगी। थोड़ा बहुत अगर मार्केट वीक खुलता है तो मुझे लगता है कि लोअर लेवल्स पर 16550 के आसपास अगर होल्ड होता है तो वहीं पे खरीदने का तला होगा। 16500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, टारगेट 16650 680 रहेगा, पर गैप अप ओपनिंग होने से अवॉइड करेंगे निफ्टी। वहां सवाल बैंक निफ्टी से, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में नीचे सपोर्ट 35500 से 35750 के आसपास है। अगर डीप में खुल जाता है तो मुझे लगता है कि कोई भी डीप में इस्तेमाल करना पड़ेगा खरीदारी करने के लिए। 35500 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, इनिशियल टारगेट होगा 36200 से 250, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्रॉस हो जाएगा तो 36400 से 36500 का रेंज भी देखने को मिल सकता है। ओवरऑल खरीदारी डीप में ही सजेशन करूंगी। और मेरा स्टॉक स्पेसिफिक कॉल, मैं टाइटन में खरीदारी करने का सलाह दे रही हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा लोअर लेवल पर मिलता है तो 1850 के नीचे स्टॉक लगा के खरीदने का सलाह है। 1895 का पहला, 1915 का दूसरा टारगेट के लिए टाइटन को खरीद कर चलेंगे। और एक कैश स्टॉक सोनाटा सॉफ्टवेयर को खरीदने का सलाह होगा, 875 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 910 का पहला टारगेट और 925 का दूसरा टारगेट के लिए सोनाटा को खरीद कर जाने का सजेशन होगा। ओके समीर, शुक्रिया आपके रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कमोडिटी मार्केट्स पर आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर, एक तो बुलियन मार्केट और साथ ही कच्चे तेल की चाल को देखते हुए आपकी राय एनर्जी पैक और गोल्ड पर क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी, सो मुझे लग रहा है कि आज के दिन में गोल्ड में और क्रूड में दोनों में बिकवाली होनी चाहिए। क्रूड की हम पहले बात कर ले, जो IEA और OPEC के मंथली रिपोर्ट आए थे इन दी बिगिनिंग ऑफ द मंथ, थोड़ा बहुत नर्वसनेस मार्केट में दिखाया गया है। कोविड डेल्टा वेरिएंट को लेकर कंसर्न है मार्केट में, सो डिमांड को लेकर शायद यहाँ पे स्पेकुलेशन है कि डिमांड शायद कम हो सकती है। दैट्स व्हाई आई एक्सपेक्ट क्रूड टू फॉल फर्दर। क्रूड अगस्त वन कैन सेल अराउंड 4960, 5000 इज द स्टॉप लॉस एंड 4880 इज टारगेट। गोल्ड की हम बात करें तो फोकस रहेगा फेड की मीटिंग, आज जो मीटिंग की मिनट्स आने वाली है उस पर, एंड जिस तरीके से हमने डॉलर में रिबाउंड देखा हुआ है, गोल्ड हैज फेल्ड टू सस्टेन द लेवल्स अराउंड 1790 1795। आई थिंक MCX गोल्ड अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 47300 के आसपास मिलता है, वन शुड गो शॉर्ट, 47400 स्टॉप लॉस, 47100 इज टारगेट। ऑलराइट, अगर क्विकली बेस मेटल पर आपके टॉप रिकमेंडेशन में जानना चाहूंगी। मानसी, बेस मेटल्स में हमने कल के सेशन में बहुत बड़ी एक गिरावट देखी थी, कॉपर निकल एल्यूमिनियम में हमने काफी सारा एक प्रेशर देखा था। आई थिंक मुझे लग रहा है ये प्रेशर आज भी कंटिन्यू करेगा। जो चाइना के डेटा आए थे वो सपोर्टिव नहीं थे और डॉलर में बाउंस भी आ रहा है, सो कॉपर अगस्त कॉन्ट्रैक्ट सेल अराउंड 710 713 स्टॉप लॉस एंड 704 इज टारगेट।
ऑलराइट जिगर, शुक्रिया ये तमाम रिकमेंडेशन आपके हमें बताने के लिए। चलिए अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट का एक्शन आपको बताने का। आज कुशल है मेरे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं। बिल्कुल मानसी, तो 5 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं। सबसे पहले सन फार्मा पर सीएलएसए की राय है, खरीदारी की राय बरकरार रखी है इन्होंने, 960 रुपये प्रति शेयर का टारगेट इन्होंने दिया है। साथ ही ब्रिटानिया पर भी सीएलएसए की जो रेटिंग आई है वो आउट परफॉर्म की है और यहाँ पर टारगेट 3,850 रुपये प्रति शेयर का इन्होंने दिया है। और मॉर्गन स्टैनले पर बजाज ऑटो जो है सेल रेटिंग अपनी बरकरार रखे हुए हैं 3,000 रुपये के लक्ष्य के साथ। इनफैक्ट जेफरीज पर, इनफैक्ट माफ कीजिएगा, जोमैटो पर जेफरीज की भी राय आई है और यहां पर भी खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है 175 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से। और अंत में क्रेडिट स्विस की एनबीएफसी सेक्टर पर रिपोर्ट आई है जहां पर इन्होंने अपनी प्रेफर्ड पिक्स कुछ बताई हैं, जिसमें चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, एसबीआई कार्ड्स और एचडीएफसी लिमिटेड शामिल है। ऑलराइट कुशल, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बताने के लिए। चलिए पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही।